स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज अपन देखेंगे स्टैंडर्ड 6 मराठी का एक चैप्टर कुंदाचे सास। उसका क्या स्वाध्याय है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। अभी हमें मीनिंग्स दिए गए हैं, पहले शब्दार्थ मीनिंग्स। साहस धाड़स करेज, प्रभा ओघ स्ट्रीम, पट्टीची कुशल एक्सपर्ट, जलत रनपट्टू पोहनारी स्विमर, काट किनारा रिवर ऑफ बैंक ऑफ रिवर, बातमी वार्ता न्यूज, आनंद आश्रू आनंदाने डोळ्यात पाणी येणे टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। अभी हम देखते हैं इसमें जो खालील गद्य उतारा वाचून दिलेल्या कृती पूर्ण करा। अभी कुंदाने रजियाला आनंदून गेली, तो ये जो पैसेज है वो है पेज नंबर 1819, जो 6 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है मराठी के, उसके पेज नंबर 1819 पे ये जो पैसेज है वो है। तो अभी हम इस पैसेज को देख के आंसर देखेंगे। तो अभी ये कृति है, मतलब क्वेश्चन वन, खालील आकृति बंद उतारा वाचून पूर्ण करा। जो आकृति है उसको, जो पैसेज है उसको पढ़ के हमें पूर्ण करना है। तो रजियाला काटा कड़े अननारी कुंदा, जीव वाचलेली रजिया, धाड़सी मुलगी कुंदा, कुंदाला मिटी मारनारी रजिया, पट्टीची जल पतरन पट्टू कुंदा, मतलब उसको स्विमिंग अच्छे से आती थी, बुड़नारी मुलगी रजिया, उसको स्विमिंग नहीं आती थी इसलिए वो ऐसे डूब रही थी पानी में, रजियाची लहान नगी मैत्रीन नीला, लहानगी मैत्रीन मतलब छोटी, उसकी एक और छोटी दोस्त थी उसका नाम था नीला। अभी कृती दोन, खालील रिकाम्या जागा उतारा वाचून पूरा करा, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। कुंदा ने रजियाला काटाकड़े अनले, मतलब जो कुंदा थी उसने रजिया को जो बैंक ऑफ रिवर, मतलब जो किनारा था बैंक रिवर का, उसके पास लाया। आज सारे गावत कुंदाचा साहसीची चर्चा होत होती, मतलब जो कुंदा थी उसने जो करेज दिखाया था अपनी दोस्त को बचाने के लिए, उसकी तारीफ पूरी गांव कर रहा था। तो कौतुकाचा वर्षवाने कुंदा आनंदून गेली। अभी क्वेश्चन 3, एक दोन वाक्यात उत्तर लिया, मतलब एक दो सेंटेंस में उत्तर लिखो। अभी झाड़े शेते हिरवेगार कशामुळे झाली, पावसामुळे झाड़े शेते हिरवेगार झाली, कुंदा केवा पोहायला शिकली, कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षी पोहायला शिकली, मतलब जब भी वो 8 साल की थी तभी उसने स्विमिंग सीख ली, कुंदाला नदीवर कोणते हास्य दिसले, दृश्य दिसले। तो अभी इसका आंसर हम देखते हैं पीछे। अभी उसका आंसर है, रजिया पाण्यात गटंगळ्या खात पाण्याच्या प्रवाह बरोबर पुढे वाहत चालली होती, हे दृश्य कुंदाला नदीवर दिसले। अभी क्वेश्चन 4, नदीच्या काटावरचे लोक कोणाला कोणत्या सूचना देत होते, तो नदीच्या काटावरचे लोक कुंदाला कुंदा पाण्याचा वेग वाढतो आहे, माघरी फिर मतलब पीछे घूम जा, अशा सूचना देत होते, मतलब जो पानी का फोर्स था वो बढ़ रहा था तो कुंदा को बोल रहे थे तू पीछे मुड़ जा, पीछे आ पीछे, ऐसे कर रहे थे। अभी आगे, कुंदा आनंदून का गेली, अभी कुंदा एकदम खुश ही हो गई, साऱ्या गावात कुंदाच्या साहसीची चर्चा होती त्यामुळे साऱ्यांनी तिचे कौतुक केले, म्हणून त्या कौतुकाच्या वर्षावने कुंदा आनंदून गेली। पाठ वाचून तुम्हाला कुंदाचे कोणते कोणते गुण जाणवले ते लिहा, धाडसी जलपटरन पटू, जिद्दी प्रसंग वाधनी, तो ये सारे उसके गुण हमें पता चलते हैं। अभी क्वेश्चन 4, कंसातील वाक्प्रचार दिसलेल्या वाक्यात योग्य ठिकाणे वापरा, ये ग्रामर का टॉपिक होता है। अभी ये दो दिए हमें, उनका इस्तेमाल करना है हमें इसमें। शाळेची सुट्टी झाल्याबरोबर शाळेच्या मैदानात विद्यार्थ्यांचा वाढला। शाळेच्या सुट्टी झाल्याबरोबर शाळेच्या मैदानात विद्यार्थ्यांचा गळका वाढला, ये इसका आंसर है। परीक्षा असल्यामुळे मुले अभ्यासात डंग होने मतलब डंग झाली, मतलब वो उसमें एकदम मन लगा के पढ़ाई करने लग गए क्योंकि एग्जाम थे।
अभी क्वेश्चन फिफ्थ, खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिया। रजियाच्या आईच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले, मतलब जो रजिया थी उसकी माँ की आंखों से ऐसे खुशी के आंसू बहने लगे। अभी उसका आंसर है, बुडत असलेल्या रजियाला कुंदाने वाचवले होते, त्यांना दोघींना सुखरूप पाहून रजियाच्या आईला आनंद झाल्यामुळे तिच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले। तो ये इसका आंसर है। अभी हम देखते हैं व्याकरण, कृति सहा मतलब सिक्स्थ क्वेश्चन, विरुद्धार्थी शब्द लिया मतलब ऑपोजिट शब्द लिखो। छोटा मोटा, दुख सुख, उद्या आज, हंसने रडने, पुढ़े मागे, लवकर उशिरा। समानार्थी शब्द, वार्ता बातमी, साहस धाडस, माता आई, दिवस दिन, डंग गर्क, लहान छोटी। अभी आगे कृती आठ, खालील वाक्यातील विशेषण शोधून लिया, विशेषण मतलब एडजेक्टिव्स। हिमालय उंच पर्वत आहे, अभी हिमालय पर्वत तो है लेकिन क्या है, उंच मतलब बहुत बड़ा है, मतलब बहुत लंबा पहाड़ है वो, तो उसका आंसर है विशेषण, इसमें विशेषण उंच है। अभी कंपस घ्यायला आईने 100 रुपये दिले, अभी कंपस घ्यायला आईने रुपये तो दिए, पैसे तो दिए, पर कितने रुपये दिए, 100, तो इसका आंसर विशेषण है 100। बागेत टवटवीत फुले आहेत, बागेत फुले आहेत पण कशी फुले आहेत, टवटवीत, तो इसका आंसर टवटवीत। ताईने मला नवीन सदरा दिला, ताईने मला सदरा दिला पण कसा सदरा दिला, नवीन, तो इसका आंसर है नवीन। जो विशेषण होता है उसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन, स्वमत प्रश्न मतलब ओन आंसर्स। अभी फर्स्ट, तुम्हाला माहित असलेल्या जल पटरन पट्टीचे नावे लिया, मतलब अपने को जो स्विमर्स के नाम पता है उनका हमें नाम लिखना है। तो वीर धवल खाड़े, कुशग्रह रावत, रेहाना पोच, साजन प्रकाश, संदीप सेजुड़ ई। अभी तुमको जिनका भी नाम पता है तो तुम उनका नाम लिख सकते हो, जो प्रोफेशनल स्विमर्स रहते हैं उनका नाम तुम लिख सकते हो यहाँ पे। अभी क्वेश्चन टू, तुम्ही रजियाचा हितचिंतक आहात, या नात्याने तिला कोणत्या सूचना द्यायला। तो अभी इसका आंसर है, रजिया तू लहान मुलगी आहेस, मोठ्या माणसाबरोबरच नदीच्या पाण्यात उतरावे, कुंदाप्रमाणे तू प्रथम पोहायला शिकणे आवश्यक आहे। अभी अगर हम उसके चिंतक रहेंगे तो हम उसको बोलेंगे तू छोटी बच्ची है तो तुझे हमेशा कोई बड़े इंसान के साथ ही पानी में जाना चाहिए, पहले तो तुझे जैसे कुंदा को स्विमिंग आती है वैसे तुझे भी स्विमिंग सीखनी चाहिए, पोहणे जमल्यावर ही पाण्याचा अंदाज घेऊनच पाण्यात उतर स्वतःची काळजी घे। अभी अगर स्विमिंग आई फिर भी पानी का क्या अंदाज है, अगर वो स्टील है मतलब ज़्यादा तेजी से नहीं बह रहा है तो ठीक है तभी उतरना, नहीं तो मत उतरना, और खुद की काळजी मतलब खुद का ध्यान रखना, यह हम उसको सूचना देते। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का जो स्वाध्याय है वो हो गया। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।